हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। गाइस, जमशेदपुर एफसी वर्सेस ईस्ट बंगाल। आई होप आप सभी ने उस मैच को देखा होगा। मैच की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, जहां पर एक टीम लकी थी और एक टीम अनलकी। सो गाइस, मैच की स्टोरी इस तरीके से थी। मैच शुरू हुआ, दोनों ही तरफ से अटैक काफ़ी अच्छे बन रहे थे। जमशेदपुर एफसी भी अटैक कर रही थी, ईस्ट बंगाल भी अटैक कर रही थी। और 21 मिनट पर जो फैंटेस्टिक जो एक रॉकेट गोल मारा है रीता चिकावा ने, वो काबिले तारीफ था। एंड गाइस, फिर उसके बाद में जिस तरीके से ईस्ट बंगाल ने खेला है भाई, अब विश्वास नहीं करोगे। टोटल ऑफ 30 शॉट उन्होंने लिए थे, जिसमें से 6 टारगेट पर थे एंड बाकी सारे जो टकराए थे भाई पोस्ट से एंड भाई एल्बिनो गोम्स से। एंड भाई, यहाँ पर मैच चेंजिंग का एक मोमेंट भी था, जहाँ पर ईस्ट बंगाल इस मैच को पकड़ सकती थी, लेकिन भाई वहाँ पर एल्बिनो गोम्स ने जो सोल क्रिस्पो की जो पेनाल्टी सेव की थी, वो काबिले तारीफ थी। लेकिन भाई यहाँ पर मैं पूरी तरीके से कहना चाहूँगा, जमशेदपुर एफसी लकी थी भाई पूरे इस वाले मैच में। एंड ईस्ट बंगाल जो अनलकी रहे, वो मेरी समझ में नहीं आया कि उनके साथ में किस्मत साथ नहीं दे रही थी, ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन भाई जमशेदपुर एफसी यहाँ पर पूरी तरीके से अपने डिफेंस एंड अटैक से जीत रही है। मिडफील्ड तो आप छोड़ दीजिए, मिडफील्ड कोई काम की नहीं है जमशेदपुर एफसी की, लेकिन जिस तरीके से डिफेंस खालिद जमील ने तैयार किया, वो काबिले तारीफ़ है। और भाई अटैक में जिस तरीके से काम बन रहा है जमशेदपुर एफसी का, चलता फिरता काम चल रहा है जमशेदपुर एफसी का। लेकिन भाई मैं पूरी तरीके से उदास हूँ भाई, ईस्ट बंगाल ने इतनी ज़्यादा कोशिश की थी फिर भी वो जीत नहीं पाए। लेकिन भाई जिस तरीके से जादू टोना टोड का खालिद जमील का चल रहा है, वो काबिले तारीफ़ है। एंड भाई काफ़ी सारे प्लेयर हैं अभी भी जमशेदपुर एफसी के जो कि आने बाकी हैं, जैसे कि ऋतिक दास हो गए, एमिल बैनी हो गए एंड काफ़ी सारे टैलेंटेड प्लेयर हैं, जैसे कि प्रोने हल्डर जो कि मिडफील्ड को संभाल सकते हैं। सो गाइस, ये सारे प्लेयर आ गए तो मैं कह सकता हूँ जमशेदपुर एफसी वन ऑफ द बेस्ट टीम इन दिस टूर्नामेंट। एंड भाई पूरी तारीफें जाती हैं एल्बिनो गोम्स एंड खालिद जमील के लिए, जिस तरीके से उन्होंने टीम को संभाल रखा है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।